टेंशन जो है आम आदमी पार्टी की वो बढ़ गई है और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हो सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी चुनौती के मामले में लंबित है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या वाकई अरविंद केजरीवाल जैसा कह रहे हैं वो करने में कामयाब हो पाएंगे? भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के आगे भी जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, 19 तारीख पर पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में तो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से कट चुके हैं और साथ ही साथ टेंशन जो है आम आदमी पार्टी की वो बढ़ गई है और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हो सकता है। और लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर की बात है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें तिहाड़ भेज दिया, उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा और 19 तारीख को मतदान होना है। तो आप सोचिए कहाँ चुनाव प्रचार का समय मिल जाएगा, और कोई जरूरी थोड़ा है कि 15 दिन की न्यायिक के बाद वो जेल से रिहा हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो अब ऐसे में केजरीवाल ने तिहाड़ ले जाने के लिए 3 किताबों की मांग की है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी दी जाए। इन किताबों में भगवद गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है। इसके साथ केजरीवाल ने जो धार्मिक लॉकेट पहन रखा है उसे भी अपने साथ ले जाने की कोर्ट से मंजूरी मांगी है, साथ ही विशेष डाइट की भी मांग की है। उन्होंने कोर्ट से जेल में मेज और कुर्सी दिए जाने की भी इजाजत मांगी है। केजरीवाल को तिहाड़ में किस सेल में रखा जाएगा? खबरों की माने तो तिहाड़ जेल में हलचल तेज हो गई है। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में हलचल सबसे ज्यादा तेज है। इसी जेल में डिस्पेंसरी है। तिहाड़ की जेल नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 के सभी जेल सुपरिटेंडेंट को अलर्ट पर रखा गया है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक अभी यह तय नहीं है कि केजरीवाल को तिहाड़ के किस बारक में रखा जाएगा। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 2 नंबर जेल से 5 नंबर जेल में शिफ्ट किया गया है। मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है, वहीं सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल की 7 नंबर सेल में रखा गया है। के कविता को लेडी जेल नंबर 6 में रखा गया है। पूरी आम आदमी पार्टी कहें कि जेल के अंदर ही है। बता दें कि तिहाड़ जेल में कुल 9 जेल हैं, इनमें से लगभग 12,000 कैदी हैं। इन जेल में ईडी और सीबीआई से संबंधित कैदियों को रखा जाता है। जेल की दिनचर्या कैसी है? जेल में सभी कैदियों के लिए समान दिनचर्या है। सूरज निकलते कैदियों को सेल और बैरक को खोल दिया जाता है। इसके बाद सुबह लगभग 6:40 पर नाश्ते में चाय और ब्रेड दिया जाता है। नहाने के बाद अगर कोर्ट जाना है या फिर किसी से मुलाकात करनी है तो उसके लिए तैयार किया जाता है। सुबह 10:30 और 11 बजे के आसपास दाल, एक सब्जी और 5 रोटी खाने में दी जाती है। जिस कैदी को रोटी नहीं खानी है उसे चावल दिया जाता है। इसके बाद कैदियों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बैरक में बंद कर दिया जाता है। फिर 3 बजे कैदियों को बैरक से बाहर निकाला जाता है। उन्हें 3:30 बजे चाय और 2 बिस्किट दिए जाते हैं। फिर शाम लगभग 4 बजे अगर कोई वकील मिलना चाहे तो मिल सकता है। शाम 5:30 बजे कैदियों को रात का खाना दिया जाता है जिसमें दाल, एक सब्जी और 5 रोटी होती है। फिर 6:30 बजे या 7 बजे सूरज ढल जाने पर सभी कैदियों को सेल में बंद कर दिया जाता है। बता दें कि कैदियों को जेल में सुबह 5 बजे से 11 बजे तक टीवी देखने की मंजूरी भी दी जाती है। इस दौरान 18 से 20 चैनल ही दिखाने की इजाजत है जिनमें न्यूज से लेकर खेल और मनोरंजन चैनल शामिल है। अब कोर्ट में ईडी ने क्या कहा है? देखिए ईडी ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर एसवी राजू ने कहा कि कोर्ट को ये सब बताने का मकसद है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। केजरीवाल ने अब तक मोबाइल का पासवर्ड शेयर नहीं किया है, वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों तिहाड़ जेल में हाई लेवल की एक मीटिंग हुई थी। आपको बता दें कि इस हाई लेवल मीटिंग में बहुत कुछ हुआ था और आज भी 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग हुई। पिछली मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई थी कि अगर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो उन्हें किस नंबर की जेल में रखा जाएगा, साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई थी। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था।
दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राव जवानी कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार भी चलाएंगे। अब शराब नीति क्या थी इस पर बात कर लेते, फिर सरकार कैसे चलाएंगे इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021 से 2022 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर से पुरानी पॉलिसी को लागू कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका कानूनी हलकों में उठे सवालों को रेखांकित करती है। तो ये पूरा मामला था, कैसे शराब नीति आई, कैसे वापस इस पॉलिसी को लिया गया और कैसे इसमें एक एक करके सारे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो फंसते चले गए, पहले मंत्री और अब मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर तिहाड़ में आपको नजर आएंगे। 15 तारीख तक तो ऐसा ही चलने वाला है। अब सवाल ये है कि पदासीन मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद भी क्या सरकार का कामकाज संभाल सकता है या नहीं। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ये साफ कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सवाल की वजह भी है, दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ईडी की हिरासत के दौरान ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 आधिकारिक निर्देश जारी किए थे जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ था। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहे। गुरुवार को उनकी हिरासत की अवधि 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई थी और 1 अप्रैल को फिर से फैसला आ गया 15 अप्रैल तक के लिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 24 मार्च को कहा था कि अगर केजरीवाल को जेल भेजा गया तो वो अदालत से जेल में कार्यालय बनाने की अनुमति भी मांगेंगे ताकि वो जेल से सरकार चला सके। लेकिन कितना पॉसिबल है और कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितने दाव पेच है, ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि आरोपों की वजह से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस नीति की आड़ में कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप और ईडी की चार्जशीट के मुताबिक वो इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है। आम आदमी पार्टी कहती रही है कि उनके नेताओं पर दर्ज मुकदमों का कोई आधार है नहीं। पिछले साल दिसंबर में आम आदमी पार्टी ने मैं भी केजरीवाल नाम से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था जिसमें सवाल पूछा गया था कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी होने की सूरत में इस्तीफा दे देना चाहिए और जेल से सरकार चलानी चाहिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। दोनों पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं, दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ईडी की हिरासत में अपने पहले निर्देश में अरविंद केजरीवाल ने पानी की कमी के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए जल संसाधन मंत्रालय मंत्री आतिशी को पत्र लिखा था। आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल ने अपने निर्देश में कहा है कि मुझे पता चल गया है कि लोगों को पानी और सीवेज से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मैं इसे लेकर चिंतित हूं और मेरे जेल में रहते हुए लोगों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। अपने निर्देश में उन्होंने आवश्यक स्थानों पर पानी के टैंकर भेजने को कहा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक केजरीवाल हर दिन शाम 6 बजे से 7 बजे तक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पीए विभव कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही वे दिन में आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से भी मिल सकते हैं। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर किस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए होने जा रही है। 15 तारीख तक के लिए तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा, तो क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चला सकता है। देखिए, कुछ कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि संवैधानिक मामलों के इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के कानूनी पहलुओं पर कुछ नजर हमने सरसरी निगाह से देखा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से अपना काम जारी रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हिरासत में व्यक्ति को पद से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन एक बार अपराध सिद्ध हो जाने पर वो किसी संवैधानिक पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। हालांकि कानून के कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि कानून भले इस मुद्दे पर खामोश हो, लेकिन देश में जेल से सरकार चलाए जाने का कोई पूर्व उदाहरण तो है नहीं और ये मामला नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है। अतीत में जब भी किसी निर्वाचित सरकार के सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति पैदा हुई है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस सिलसिले में सबसे ताजा उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है।
बीजेपी के नेताओं ने भी यही मुद्दा उठाया। पार्टी नेता मनोज तिवारी कहते हैं कि सरकार कभी जेल से नहीं चलती, जेल से गैंग चला सकते हैं सरकार नहीं। सरकार तो भारत के संविधान के तहत एक नियम के साथ चलती है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज भी अरविंद केजरीवाल को घिरती हुई नजर आई। जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का आहित हो रहा है। केजरीवाल जी तो देश के सभी नेताओं को नसीहत देते थे, अपनी आत्मा आपकी क्यों सो रही है, आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले भी संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के मामले के साथ साथ सुब्रत रॉय के मामले में भी उन्होंने बैठक करने वीडियो कॉन्फ्रेंस और सुविधाएं प्रदान की गई। उनका कहना है कि मनुष्य सिद्धों को दिल्ली कोर्ट ने भी अपने क्षेत्र के लिए विधायक निधि जारी करने की इजाजत दी थी। अरविंद केजरीवाल की कानूनी स्थिति के बारे में गोपाल राय का कहना है कि केजरीवाल की रिमांड और गिरफ्तारी की कानूनी चुनौती के मामले भी लंबित है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इसमें एलजी जाने, एलजी अगर राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं तो फिर आगे जो होगा वो मानना पड़ेगा, और एलजी इसके खिलाफ है। एलजी अगर राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं तो हो सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या वाकई अरविंद केजरीवाल जैसा कह रहे हैं वो करने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल के इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।